अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर खुर्रम शहराज, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और रिसेंट हमें एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वर्क करें। तो आज हम इनसे पूछते हैं कि लोग जो हैं पैनिक क्यों हो जाते हैं और इसके पीछे कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी बेस पे जो है लोग पैनिक हो जाते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। सर, बहुत सारे हमने ऐसे लोग देखे हैं कि वो चलते चलते पैनिक हो जाते हैं, या फिर अक्सर हमने हजूम में कुछ ऐसे लोग देखे हैं वो गिर जाते हैं पैनिक होकर, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? फिर एक चीज होती है रिएक्शन वर्सेस रिस्पॉन्ड। अब जो रिएक्शन होता है ना, वो बिना सोचे समझे होता है। उसमें कोई चीज़, कोई आपकी एक ऑर्गेनाइज, जिस तरह आपने एक प्लान किया होता है, वो चीज़ें शामिल नहीं होती। वो रिएक्शन जो होता है, जो सडनली होता है, और वो गलत भी होता है। जो चीज़ें सडनली हो वो गलत होती हैं। हमेशा इंसान को चाहिए टाइम ले के अपनी जो ज़िंदगी है उसको ले के चले। बहुत सी चीज़ों का हल जो होता है ना, वो वक्त खुद ही निकल आता है। इधर मैं एक मिसाल कोट करना चाहता हूँ, फिर हम वापस आएंगे इसके ऊपर रिएक्शन और रिस्पॉन्स पे, इसमें फ़र्क भी बताऊँगा। अभी इधर मेरे दिन में एक एग्जांपल आ रही है कि एक बादशाह था। उस बादशाह ने ना एक उसका गुलाम था, उसको सजा दी, सजाए मौत दे दी कि इसका सर कलम कर दिया जाए। अब वो जो गुलाम था, वो तजस्सुस भरी निगाहों से ना बादशाह की तरफ देखना शुरू हो गया। बादशाह ने कहा, जितनी मर्जी तजस्सुस भरी निगाहों से मेरी तरफ देख लो, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। आगे से गुलाम ने कहा कि माफी मांग कौन रहा है, मैं तो ये सोच रहा हूं कि अगर आपने मेरा सर कलम कर दिया तो जो एक हुनर मेरे पास है इस दुनिया में किसी के पास नहीं है, तो वो मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा। आने वाली नस्लें बिल्कुल उससे कुछ नहीं सीख सकेंगी। बादशाह सोच में पड़ गया कि जी ऐसा कौन सा इसके पास हुनर है, कौन सी ऐसी स्किल है जिसकी बेस पे ये इतनी बड़ी बात कह रहा है। बादशाह ने कहा, आप क्या कर सकते हो? कहा, मैं घोड़े को उड़ना सिखा सकता हूँ। बादशाह ने कहा, अच्छा चलें, अगर तो तुमने घोड़े को उड़ना सिखा दिया तो मैं तुम्हें बाइज्जत बरी कर दूंगा, तुम्हारी सजा माफ कर दी जाएगी। बादशाह ने उसे 2 साल का टाइम दिया कि ये 2 साल तुम्हारे लिए, इस घोड़े को ले जाओ और कैद खाने में तुम्हें भेज दिया जाएगा, वहां तुमने इस घोड़े की ट्रेनिंग करनी है। अब जब वो कैद खाने की तरफ जा रहा, कैदियों को पता चला कि जी ये कह के वहां से इस तरीके से आया है कैद खाने में, वरना आज इसका सर कलम कर दिया जाना था, तो कैदी उस पर हंसना शुरू हो गए। एक कैदी ने उससे पूछा कि जब तुम्हें पता है कि तुम ऐसा कर नहीं सकते तो तुमने बादशाह से झूठ क्यों बोला? उसने एक बहुत प्यारी बात कही, बहुत ही प्यारी। क्या? कि जी मुझे पता है कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन हो सकता है आने वाले 2 साल में बादशाह खुद ही मर जाए, और ऐन मुमकिन ये भी है कि जी मेरी हकीकी मौत हो जाए। अगर इन दोनों में से कुछ नहीं होता तो ठीक 2 साल जब पूरे होने के पास पास होंगे, हो सकता है घोड़ा मर जाए और मैं बादशाह से फिर अगला टाइम ले लूं, तो वक्त से पहले मैं क्यों मरूं? अगर वक्त मिल सकता है तो उसको मैं क्यों ना गेन करूं? तो इस तरह हर इंसान को वक्त लेना चाहिए। कोई भी फैसला लेते वक्त आपको वक्त लेना चाहिए। इसी तरह हम पैनिक में बात कर रहे हैं कि पैनिक हमेशा वो वाले लोग होते हैं जो रिएक्शन करते हैं, और जो बंदे रिस्पॉन्ड करते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट कंसीडर होते हैं और उनको ज़्यादा अचीवमेंट्स भी हासिल होती हैं, और वो हर तरह की कंडीशन को कंट्रोल करने के काबिल होते हैं, उनमें कुछ खास स्किल्स होते हैं। इसमें एक पिछले दिनों मुझे ना एक कुलीग ही हैं हमारे, उनकी तरफ से एक मैसेज भी रिसीव हुआ कि कॉकरोच थ्योरी एक आई है, लेकिन मैंने उससे पहले उस थ्योरी को पढ़ लिया हुआ था उनका मैसेज आने से पहले। आज से तकरीबन 4-5 मंथ पहले मैंने एक कॉलम में उसको पढ़ा था, एक अखबार में पढ़ा था कि जी बहुत सी ज़हनी परेशानियां जो होती हैं ना,
वो इस वजह से होती है कि इंसान जो है वो रिएक्शन करता है। अगर इंसान ने अपने आप को मुसीबतों से बचाना है, परेशानियों से बचाना है, पैनिक होने से बचाना है, तो वो क्या करे, रिस्पॉन्ड करे। अब उसने एक मिसाल दी कि एक रेस्टोरेंट था बहुत खूबसूरत सा, उधर एक कॉकरोच आके एक फीमेल की शर्ट के ऊपर बैठ गया। फीमेल को जैसे ही पता चला कि कॉकरोच उसकी शर्ट पे आके बैठ गया, तो उसने ऊंची ऊंची चीखें मारना शुरू कर दी। उसको देख के बाकी फीमेल ने भी चीखें मारना शुरू कर दी। तो पास ही एक वेटर खड़ा था, वो वेटर इस सारे मंजर को जहन में लेके जा रहा था, एनालिसिस कर रहा था कि क्या है, किस तरह है, किस तरह इस सिचुएशन से निकला जा सकता है। उसने मुकम्मल प्लानिंग की, आराम से गया, एक चीज़ पकड़ी, चीज़ को पकड़ के उसके ऊपर काकरोच डाला, काकरोच को पकड़ा और बाहर जाके फेंक दिया। अब जो उस फीमेल ने किया वो क्या था, रिएक्शन था। जो उस मेल ने किया वो वेल ऑर्गेनाइज था, पहले वो देखता रहा, मुशाहदा किया, ऑब्जर्वेशन के थ्रू उस चीज़ को देखा, उसके बाद उसने उस पर प्लानिंग की कि वो किस तरह से सिचुएशन से निकल सकते हैं, उसने उसको जाकर बाहर फेंक दिया। ये था रिस्पॉन्ड। अब रिस्पॉन्ड और रिएक्शन में फ़र्क चेक कर लें कि हमेशा जो ज़हीन लोग होते हैं ना वो रिस्पॉन्ड करते हैं, वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो लाइफ में कभी भी रिएक्शन ना करें, जब भी करना है रिस्पॉन्ड करें, चाहे वो रोज़मर्रा की मसाइल ही क्यों ना हो, उन पे रिएक्शन ना दें। हम फौरी तौर पे, मसला इतना नहीं होता जितना हम पैनिक हो जाते हैं, हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, हम सांस में तेज़ी आना शुरू हो जाती है, हम गिर जाते हैं, हम बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि हमारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, हम रिएक्शन कर रहे होते हैं। हालांकि वही चीज़ों को अगर हम अच्छे तरीके से टैकल करें, ऑर्गेनाइज करके उनका रिस्पॉन्ड करें, तो वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज होगी और उसका रिजल्ट जो होगा वो टोटली डिफरेंट होगा बजाय पैनिक होने के। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और आपने जो है कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की। तो ये जो पैनिक होते हैं ये फौरन से इब्रप्ट रिस्पांस कर देते हैं, तो सर फौरन का भी यही कहना है कि इब्रप्ट रिस्पांस की जगह जो है आप रिस्पॉन्ड करना सीखें। और जब कोई इंसान रिस्पॉन्ड करता है किसी चीज़ के लिए, तो वो एक गोल ऑर्गेनाइज करता है, वो उसके लिए प्रिपरेशन करता है और फिर जो है उसके ऊपर वर्क करता है। तो अगर कोई भी किसी भी किस्म का मसला हो तो उसका सलूशन ढूंढने के लिए जो है उसकी प्रिपरेशन करें, उसके ऊपर जो है फोकस करें, उसको ऑर्गेनाइज करें और उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।